नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे पर सासाराम जाने की योजना रद्द कर दी है, जहां रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर कर्फ्यू लागू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि पटना में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने कहा है कि अमित शाह शनिवार शाम को पटना पहुंचेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार नवादा लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को असम में रैली करने वाले हैं। उस रैली से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि अगर केजरीवाल ने उन पर झूठे आरोप लगाए तो वह उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। बता दें कि कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में एसीबी पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजित नहीं करने संबंधी अनियमितता सामने आई है। इस पर कैग ने टिप्पणी भी की है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का नहीं मिलना इस बात का इशारा करता है कि लाभुकों तक राशि नहीं पहुंच पा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए बाहर के राज्य से गुंडे बुलाती है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बिहार सरकार के तमाम अधिकारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। इसी कड़ी में सभी अफसरों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, जिसमें मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पथ और स्वास्थ्य के अपर सीएस प्रत्यय अमृत के साथ अन्य कई अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। हरिद्वार के संघ कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत मानहानि मामले में वाद दायर किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख दी है। बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी के बाद बीते दिन शुक्रवार को लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी पटना, गया सहित बिहार के अन्य जिलों में शुक्रवार को सुबह और रात में बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से आज यानी शनिवार को आंधी पानी और मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वारिस पंजाब दे प्रमुख और अलगाववादी अमृतपाल के सरबत खालसा बुलाने की मांग से सिख समुदाय के अनुयायी हैरान हो गए हैं। उनका कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है जो किसी के कहने पर सरबत खालसा बुला लिया जाए। उनका मानना है कि ऐसे लोग सिख समुदाय में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मौजूदा हालात में सिख संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो अभी तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर है। अपनी परेशानियों को कम करने के लिए वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाले हैं। इसके लिए उसके वकील तैयारी कर रहे हैं, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों ही राज्यों में केस दर्ज है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स में 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को स्लीपर कैटेगरी में 6 लोअर बर्थ रिजर्व है। इसके साथ ही 3 AC में प्रत्येक कोच में 4 से 5 लोअर बर्थ, 2 AC में प्रत्येक कोच में 3 से 4 लोअर बर्थ को निर्धारित किया गया है। पहले से बड़ी महंगाई से परेशान लोगों को महंगाई का एक और झटका जल्दी लगने वाला है। देश भर के कई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर आज से सफर करना महंगा हो जाएगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों में 3.5 से 7% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं कम दूरी के लिए 10% तक अतिरिक्त शुल्क देने होंगे। बंधन बैंक ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार को 50 शाखाएं खोलने की घोषणा की है। बैंक की ओर से यहां शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार ये शाखाएं देश भर में खोली जाएंगी, जिनमें से अधिकांश बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में होंगी। इन घोषणाओं को जोर दिए जाने के बाद बंधन बैंक के पास अब 1400 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क हो गया है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अपनी अधिकृत शाखाओं पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड की यह बिक्री का यह 16वां चरण है जो 3 से 12 अप्रैल तक चलेगा। भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति 2023 का ऐलान किया। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की, जिससे ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट की घोषणा के दौरान कई बड़े बदलावों की ओर इशारा किया है। सरकार ने भारत में कुछ बनने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों पर शुल्क कम कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ इनपुट के आयात पर कस्टम को कम करने का भी प्रस्ताव दिया है। कोलकाता हवाई अड्डे से यात्रा शुरू करने वाले यात्री अब चेहरे की पहचान करने वाले प्रौद्योगिकी से अपेक्षाकृत कम समय में अपने उड़ानों के लिए हवाई अड्डे में प्रवेश और विमानों में सवार हो सकेंगे।
क्योंकि शुक्रवार को यहां डीजी यात्रा सेवा की शुरुआत की गई है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में सेना के कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को सुबह 10 बजे संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से राज्य की पहली भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। यूएस जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 100 से भी अधिक अनुयायी देश में 1 बिलियन से अधिक हैं। आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपरा और विश्वास प्रणालियों की एक श्रृंखला शामिल है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी की बिक्री के नियम में बदलाव करते हुए आज से सोने के आभूषण में हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से किसी भी गोल्ड ज्वेलरी को बेचने के लिए उसके ऊपर 6 नंबर का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना आवश्यक है। कनाडा से नदी के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हुए भारतीय परिवार के 8 सदस्यों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। कनाडा पुलिस ने सभी के सब बरामद किए। ये लोग सेंट लॉरेंस नदी में नाव के रास्ते कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर आज से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी। इनमें सभी परिवहन निगमों की बसों और निकायों से वाहन शामिल है। केवल रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था में उपयोग किए जा रहे वाहनों को इससे छूट दी गई है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया था कि नए टैक्स रिजीम से जो भी टैक्स दाखिल करेगा उसमें 7 लाख रुपए की सालाना आय के लोगों का कोई भी टैक्स दाखिल नहीं करना होगा। इसका मतलब था कि 7 लाख रुपए की सालाना आय तक के लोगों का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यह प्रावधान आज से लागू हो चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुक्रवार को बताया कि पिछले महीने मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने में मासिक आधार पर 93% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में 56.7 लाख पंजीकरण हुए थे। आधार के साथ मोबाइल नंबरों के पंजीकरण में तेजी की एक प्रमुख वजह आधार को पैन से जोड़ना भी है। गुलाम जम्मू कश्मीर की असेंबली ने शारदा कॉरिडोर खोलने का एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को शारदा पीठ व उसके साथ साथ इलाकों में अपने धर्म स्थलों की यात्रा की अनुमति होनी चाहिए। इससे गुलाम जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2023 तक निर्यात को $2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रोत्साहन की जगह छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा। बता दें कि इससे भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने और ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली के कोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस समय जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की रिहाई से चल रही जांच पर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है और इसकी प्रगति भी बाधित हो सकती है। एशिया कप 2023 के मेजबानी विवाद को जिस तरह से सुलझाया गया उसके बाद से यह खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की टीम भी अक्टूबर 2023 में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी और किसी अन्य जगह पर अपने सभी मुकाबले खेलेगी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेट्टी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा है कि भारत और इसराइल की साझा रणनीति आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। इसराइली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना के नेतृत्व में वहां के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में ओम बिरला ने यह टिप्पणी की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई जाने वाले कार्गो एयरलाइन के कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चोरी करने का मामला सामने आया था। बता दें कि इस मामले की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। देश में तेजी से बढ़ रही कोविड की रफ्तार को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट टेंशन में है। वही सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए केसों में ओमिक्रॉन के XBB.1.16 वेरिएंट होने की आशंका है। हालांकि अभी कोरोना की चौथी डोज लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे सुरक्षित रहने का एकमात्र रास्ता सावधानी बरतना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, नुन्नू गोलू कुमार, एनडी साकिर हुसैन, नौशाद अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, अंशु प्रिया, पीयूष सिंह, अनवर करीम खान, महेंद्र कुमार और बिट्टू कुमार राज। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय टीम से आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।